मिलकर आपको देंगे 9 सोने जैसे खरे शेयर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट ट्रेड स्विफ्ट के संदीप जैन, एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल और जॉइंट रे कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अविनाश, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। पहले तो ये बताइए, जो आपने ये गोल्डन शेयर्स चुने हैं, इसके पहले आपने क्या विचार रखा है? मैं समझता हूँ कि मुद्दा ये शेयर्स जो मैंने चुने हैं वो बेसिकली वेल्थ क्रिएशन स्टॉक्स है और इसमें निवेश करने का मौका हर बार आता है, लेकिन ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे लग रहा है कि सेफ्टी और कैपिटल एप्रिसिएशन, ये दोनों ही थीम्स इन यू नो इस गोल्डन शेयर्स में है, तो ये डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव है ये इन्वेस्टमेंट थीम को देखें। और राजेश, आपकी स्टॉक पिकिंग की थीम क्या है? देखिए, मैं अविनाश जी की बात से सहमत हूँ कि गोल्डन शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जो कि पोर्टफोलियो में रहने ही चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि ये इक्विटी है और सब शेयर्स के साथ एक टारगेट होता है कि उतने टारगेट आएंगे तो हम उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, बट गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है, अगर आप देखेंगे तो हर फैमिली में जो गोल्ड है वो कभी बिकता ही नहीं है, वो ऑलवेज लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहता है। तो मैंने भी यही कॉन्सेप्ट बैक ऑफ द माइंड था, ऑल दो टारगेट्स हैं कि आपको 9 महीने 12 महीने में ये मिलेंगे, बट बैक ऑफ द माइंड ये था कि ऐसे स्टॉक हैं जो न केवल 9 महीने 12 महीने बल्कि उससे भी लंबी अवधि के लिए अगर आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं तो अनलेस एंड टिल कोई बहुत बड़ी दुर्घटना ना हो जाए या कोई बहुत एडवर्स न्यूज नहीं आ जाए, मुझे लगता है कि ये लगातार आपको कमाई कराते रहेंगे। राइट, और संदीप, आपके स्टॉक पिकिंग की थीम क्या है? देखिए, गोल्डन शेयर्स एक तो देखिए बहुत ही बढ़िया मौका है, एक तो इंडिपेंडेंस डे का मौका है, गोल्ड जैसी मूवी आ रही है, पेट्रियोटिक मूवी होने वाली है और गोल्ड और जो थीम है गोल्डन शेयर्स, तो मैं कहूँगा कि गोल्ड जैसा स्टेबल रिटर्न्स देने वाला होना चाहिए, खरा सोना जैसा स्टॉक होना चाहिए। जैसे गोल्ड एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, तो मैंने वैसा ही देखा कि ऐसे स्टॉक्स हो जो कि एक तरीके से इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हो और साथ में एकदम एक डिफेंसिव बेट टाइप के स्टॉक्स मैंने कोशिश की और इसलिए मैंने FMCG, IT और फार्मा, जिस तरीके से करेंसी डिवैल्यू हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकती है, तो मुझे लगा कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन जैसे स्टॉक्स हो तो ये तीनों सेगमेंट बेस्ट लगे और साथ में जैसा कि मेरे क्वाइंटलिस्ट कह रहे हैं बाय होल्ड एंड फॉरगेट, ऐसे होने चाहिए कि जैसे सोना लेते हैं तो बेचने के लिए नहीं लेते हैं, वैसे ही कुछ स्टॉक्स लाने की कोशिश की है कि जिनको लेके आपको बेचने की नहीं सोचनी पड़ेगी और जिसकी सेलिंग एक तरीके से इनऑस्पिशियस जैसे होल्ड की होती है तो इनको भी बेचने की ना सोचे। ऑलराइट, तो संदीप बताइए कौन सा है ऐसा आपका पहला स्टॉक? तो ये मेरा पहला स्टॉक है बजाज कॉर्प, एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और हेयर ऑयल सेगमेंट से है और भारत का एक तरीके से, जैसे मैं इंडिया तो अपन वैसे ही नाम है और भारत में रूरल इंडिया को जब बात करता हूँ तो मैं भारत के नाम से जानता हूँ, तो भारत की डिमांड जिस तरीके से बढ़ने वाली है, जो रूरल कंजम्पशन इंडिया में बढ़ने वाला है और जिस तरीके से GST की रेटों का भी इनको बहुत बड़ा फायदा मिला है और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग FMCG कंपनीज है। साथ में एक और चीज कह दूं कि जैसे सारे FMCG स्टॉक्स के जो पी मल्टीपल्स है वो काफी हाई है, ये सिर्फ 28-29 के पी मल्टीपल पे है और साथ में डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 53% का है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बिल्कुल निवेश करें और अच्छे लेवल्स पे, अभी मुझे ऐसा लगता है कि 400-425 का जो रेंज है ये बहुत ही सेफ रेंज है, यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश कम लगती है और ऊपर का मैंने टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट बोल लीजिए 3-6 महीने का, वो मैंने दिया है 500 रुपये और उससे ऊपर भी जाएगा लॉन्गर टर्म। तो पहला गोल्डन शेयर है इस वक्त बजाज कॉर्प, रूरल इंडिया में काफी प्रेजेंस जिसका फायदा इसे आगे मिलने वाला है और इस वक्त वैल्यूएशन भी इस सेगमेंट में काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पर राजेश जी, आपसे समझना चाहूंगी पहला गोल्डन शेयर कौन सा है आपकी तरफ से? देखिए मुद्दा, संदीप ने जैसे बजाज कॉर्प बताया, FMCG से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसी थीम पे एक दूसरा स्टॉक जो FMCG से भी रिलेटेड है, हमें लगता है ITC एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो केवल मध्यम अवधि में बल्कि
लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है, मैंने हमेशा ITC को एक रिटायरमेंट स्टॉक की तरफ लिया तरह बताया है कि ये ऑलवेज एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप देखें तो एक डाइवर्सिफाइड प्ले है, न केवल सिगरेट में बल्कि FMCG, होटल, पेपर, एग्रीकल्चर सारी सेक्टर्स में है जो कि रूरल इंडिया से भी कनेक्टेड है और अर्बन इंडिया से भी कनेक्टेड है। जून क्वार्टर के नंबर देखें, बॉटम लाइन में 10% की बढ़त देखी गई थी। सिगरेट वॉल्यूम्स जो पहले थोड़ी सी कमजोर पड़ती नजर आ रही थी, लेकिन 2018 से हमने देखा है कि वॉल्यूम्स में भी ग्रोथ देखी गई है। हालांकि इस बार की ग्रोथ बहुत कम थी, 1.5% के आसपास थी, बट फिर भी पॉजिटिव बात यह थी कि सिगरेट वॉल्यूम्स बढ़ रही थी। FMCG रेवेन्यू 14% के आसपास बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि 15% के आसपास की CAGR ग्रोथ FMCG डिवीजन आने वाले 3 साल तक दिखा सकता है। होटल डिवीजन की बात करूं, एवरेज रूम रेंट में बढ़त देखी गई, ऑक्यूपेंसी में बढ़त देखी गई और F&B सेल्स डिवीजन से भी बढ़त देखी गई। मैं कहने का मतलब है तीनों ही पायदान पे खरी उतरी है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट क्वालिटी का तो कहने ही क्या, ब्रांड रिकॉल बहुत स्ट्रांग है, सारे ही पायदान में मुझे लगता है अच्छी लगेगी। और जो सिगरेट कंपनियों के साथ एक चिंता रहती है कि हर बार कुछ टैक्स में बढ़त हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में कोई टैक्स की बढ़ोतरी बहुत बड़ी होने वाली है क्योंकि GST इंप्लीमेंट हो चुका है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो FY20 की अर्निंग्स पे ये 26 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ITC जैसी दिग्गज कंपनी को अगर किसी दूसरी FMCG दिग्गज कंपनी से कंपेयर किया जाए तो वैल्यूएशन में करीब करीब 40-50% का गैप है। इस वजह से हमें लगता है कि ITC एक गोल्ड है, एक गोल्डन शेयर है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ओके, तो ITC वैल्यूएशन के लिहाज से अट्रैक्टिव है और कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी है और ऐसा लगता है कि इस वक्त अच्छी ग्रोथ वो दिखाने के लिए तैयार है। और जो रिस्क है इसके, सबसे बड़ा रिस्क टैक्स का होता है इसके ऊपर और वो अब काफ़ी हद तक थोड़ा कम हो गया है। लेकिन चलिए यहाँ पर अविनाश को शामिल करते हैं। अविनाश, अभी तक हमने 2 गोल्डन स्टॉक कंजम्पशन थीम पर सुने हैं, क्या आप भी इसी थीम पर भरोसा करेंगे पहले गोल्डन स्टॉक के लिए? बिल्कुल मुग्धा, मेरा पहला शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। हमको लग रहा है कि ये एक रूरल कंजम्पशन थीम है और महिंद्रा की फ्लैगशिप कंपनी है। कंपनी ने हाल ही में काफ़ी अच्छे नतीजे दिखाए, इनफैक्ट ट्रैक्टर वॉल्यूम्स रिकॉर्ड सेल्स पे चल रहे हैं, प्लस इनके UV बिजनेस भी अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। हमको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक को ज़रूर एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से खरीदना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली ऑटो एज वेल एज ट्रैक्टर बिजनेस उनको मिलता है, बट ये बेसिकली इनके होल्डिंग कंपनी है जो बाकी सारे कारोबार है, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स है, लॉजिस्टिक है, IT सर्विसेज है। तो हमको लग रहा है कि आने वाले मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। इनफैक्ट वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो FY20 पे करीबन 19 टाइम ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मोर इंपॉर्टेंटली वैल्यू अनलॉकिंग के लिए अभी भी काफ़ी जगह है, जहाँ पे अभी ऑलरेडी हमने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का IPO देखा था। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें एक अच्छी बढ़त मिल सकती है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हमारे इन्वेस्टर्स को हमने इसको रेकमेंड किया और हमको लग रहा है कि यहाँ से भी करीबन 1200 रुपये का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ओके, तो M&M यहाँ पर दाव लगाया जा सकता है, ये भी एक ऐसी कंजम्पशन स्टोरी जो आगे बेहतर ग्रोथ दिखाएगी। लेकिन इसके साथ साथ संदीप, वापस आपके पास पूछूंगी, कौन सा गोल्डन शेयर आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है जहाँ मौका है अब भी निवेश करने का? मैंने दूसरा स्टॉक चुना है फार्मा सेक्टर का और आनंद चंद्रावरकर जो कि बॉम्बे के एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने 1936 में एक ड्रीम देखा था और वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जब कर रही थी इंडिया, तब का ड्रीम था कि एक अच्छी एक सेल्फ रिलायंट हेल्थ केयर की एक कंपनी बनाई जाए और वो बहुत ही बेहतरीन पेट्रियोटिक फीलिंग थी उनकी और वैसी ही कंपनी उन्होंने खड़ी की FDC। देखिए इलेक्ट्रॉल जो एक बहुत ही नामचीना ब्रांड है, हर घर में यूज होता है, मेरे हिसाब से हर जनों ने यूज़ किया होगा लाइफ में एक बार तो लिया ही होगा, ये ORS सॉल्यूशंस है, फेमस ORS सॉल्यूशंस। और ये कंपनी इतनी पुरानी है और साथ में देखिए खास बात है 300 करीब प्रोडक्ट्स इंडिया में मार्केट करती है और करीब 50 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स है कंपनी के। और साथ में ये कहूँगा कि मैं बहुत ही एक स्टेबल ग्रोथ और बहुत ही एक सिंपल सा स्टॉक मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करता है और 27 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 27% ROC पे कंपनी काम कर रही है और डिविडेंड यील्ड भी बहुत बढ़िया है और पी मल्टीपल्स भी देखें तो करीब 20-22 के पी मल्टीपल्स पे। और फार्मा स्टॉक है तो मैं जनरली दूसरे कंपनीज को अगर कंपेयर करें तो वो सारे वैल्यूएशन के लिहाज से महंगे लगते हैं,
तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए इन लेवल्स पे, और आराम से ये स्टॉक भी आने वाले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के बाद मेरे हिसाब से ये यहाँ से 20-25% का रिटर्न बहुत आराम से देगा, और सोने जैसा खरा है, कोई रिस्क नहीं है, लेके भी रखे तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्क आएगी इसमें, डाउनसाइड बहुत कम लगता है, और इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए मैंने ये स्टॉक लाया आपके सामने। तो FDC पसंद है संदीप को, यहाँ पर रिस्क उन्हें कम दिखाई दे रहा है और साथ ही उन्हें लगता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी बढ़िया है और डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया है, तो ये दोनों ऐसे तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक और सबसे अहम फैक्टर वो है वैल्यूएशन, वहां पर भी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, तो FDC संदीप की तरफ से नेक्स्ट गोल्डन शेयर है। राजेश जी, आपकी अगली पसंद कौन सी है? देखिए, अगली पसंद के हिसाब से मैं एक टायर कंपनी के साथ जाना चाहूँगा। हमने देखा है ऑटो के नंबर्स बहुत अच्छे आते हुए, तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अच्छे चलेंगे, गोल्डन साबित होंगे। बट ये एक ऐसी टायर की कंपनी है जो कि ऑफ हाईवे टायर्स बनाती है, फोकस्ड है उस रेंज में, उसका नाम है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज। अगर आप देखें तो करीब करीब 85% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है जो कि यूरोप और यूएस के बाजारों में होता है। अब चूंकि इतना बड़ा एक्सपोर्ट है तो रुपये की कमजोरी का भी इनको फायदा मिलने वाला। दूसरे अगर आप देखें तो 5% मार्केट शेयर है ग्लोबल ऑफ हाईवे टायर में इस कंपनी का, और मुझे लगता है कि ये जो शेयर है, मार्केट शेयर, ये आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है, क्योंकि एक तो कॉस्ट एडवांटेज है इनको, एक्सटेंसिव प्रोडक्ट है इनका, और ब्रांड रिकॉल बहुत स्ट्रांग है। पिछले दिनों इन्होंने फ्रांस की एक मिशलिन कंपनी के साथ टाई अप किया है जो कि ऑफ हाई टायर में बहुत बड़ी कंपनी है, और उससे मुझे लगता है इनको एक बड़ा फायदा आने वाला है। टॉप लाइन हमारे अनुमान से करीब करीब 15% एनुअल ग्रोथ दिखाएगी CAGR नेक्स्ट 3 ईयर्स में। रिटर्न रेशियो देखें बहुत स्ट्रांग है, जून क्वार्टर में अगर आप देखें तो टॉप लाइन में करीब करीब 35% की और बॉटम लाइन में 50% की बढ़त देखी गई थी। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो FY19 में हमारा अनुमान है कि ₹50 की अर्निंग ये कंपनी डिक्लेयर करेगी और FY20 में ₹60 के आसपास। इस वक्त हम इसमें 1500 के टारगेट के साथ आने वाले 6-9 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक टायर कंपनी जो कि 85% अपना जो एक्सपोर्ट है वो कमाती है बाहर के कंपनी से, और मिशलिन के साथ एक बड़ा टाइप भी किया है, और 15% की सालाना ग्रोथ यहां पर राजेश देख रहे हैं अगले 3 सालों तक, तो बेहतरीन यहां पर ग्रोथ है और वैल्यूएशंस भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 1500 का लक्ष्य अगले साल तक के लिए देख रहे हैं राजेश। अविनाश, आपकी नेक्स्ट पिक कौन सी है? मुग्धा, मेरी अगली पग कंजम्पशन स्पेस में है और हमको ये एक लिकर कंपनी पसंद है, रेडिको खैतान। हमको लग रहा है कि कंपनी के काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स है और कंपनी ने प्रीमियम स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, हालांकि मार्जिन इंप्रूवमेंट स्लोली आया है, बट कंपनी के जो परफॉर्मेंसेज है एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर के, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो चुके हैं। करीबन 25% से टॉप लाइन बढ़ा है, बॉटम लाइन करीबन 84% से बढ़ी है, और इसकी एक खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस स्टेट में इन कंपनी का करीबन 25-30% रेवेन्यू आता है, यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। कंपनी का मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे और मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए और भी जगह रहेगी। इन्होंने करीबन 140 करोड़ की डेट भी रिपे की है, तो बोथ मार्जिन एक्सपांशन एज वेल एज डेट रिडक्शन, ये दोनों इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स और कैश फ्लोज पे पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। हमको लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो साल भर में कम से कम 550 का टारगेट पॉसिबल है, और ये प्योरली कंजम्पशन थीम होने के कारण मल्टीपल एक्सपांशन अभी भी हमको लग रहा है इस लेवल से भी हो सकता है। तो 30% की ग्रोथ दिखा सकता है रेडिको खैतान, नया ब्रांड लॉन्च किया है उसका भी फायदा मिलेगा, तो यहाँ पर रेडिको खैतान अगेन एक और कंजम्पशन स्टोरी जो कि आपको मुनाफा दिलाकर जाएगी। तो अभी तक हमने आपको यहाँ पर बता दिया M&M, रेडिको खैतान, बजाज कॉर्प, FDC, ITC और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, तो 6 स्टॉक्स हो गए हैं। वादा किया है आपको और भी स्टॉक्स बताने का, लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बताएंगे बाकी स्टॉक्स। हफ्ते गोल्ड फिल्म रिलीज हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप मेहनत करें, जो कि इंडियन हॉकी टीम करती है, और उसके बाद वो गोल्ड लेकर आ रही है, वही हम कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ ऐसे शेयर बताने की जो कि मेहनत करें आपके लिए और आपके लिए पॉजिटिव रिटर्न लेकर आए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अविनाश, संदीप और राजेश बने हुए हैं। राजेश सर, आपसे जानना चाहूंगी आपकी आखिरी पिक कौन सी है आज?
राजेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है, बताइए कौन सी है आपकी आखिरी पिक? यस ओके मुद्दा अगर आप देखो तो गोल्ड में स्टोरी है कि अक्षय कुमार पर पहले कोई विश्वास नहीं करता है कि वो गोल्ड ला भी सकता है, और उसके बाद वो अपनी काबिलियत से उसे प्रूफ करता है और गोल्ड लेकर आता है। सेम थीम पे अगर देखी जाए तो एक ऐसा स्टॉक जो कि हाल ही में लिस्टिंग हुई है, लोगों का ये मानना है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्टॉक है जो आगे आने वाले दिनों में आपको गोल्ड दिला सकता है, एंड दैट इज बंधन बैंक। शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट है कि आने वाले 6-9 महीने में ये 800 रुपया चला जाएगा, बट मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है, लंबी अवधि में बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बड़े टारगेट्स भी आ सकते हैं। अगर आप देखें तो पहली तिमाही में बहुत ही स्ट्रांग अर्निंग ग्रोथ दिखाई, बॉटम लाइन करीब करीब 47% के आसपास बढ़ी, लोन बुक में अच्छी ग्रोथ थी। एक पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो कि फुल फ्लेज यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने की एक अपने आप में एक पहली बैंक कहा जाता है। लोन बुक में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ थी, करीब करीब 52% के आसपास में एडवांसेस ग्रो किए, डिपॉजिट 37% बढ़ा है, कासा रेशियो भी 35% के आसपास है। मैंने कहने का मतलब है कि सारे ही कुछ ऐसे हैं जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस की ओर इशारा कर रहे हैं। इवन एसेट क्वालिटी जो कि आज की डेट में सारे बैंकों के लिए एक पूरे सेक्टर के लिए चिंता के विषय बना हुआ है, वहां भी अगर आप देखें तो ग्रॉस एनपी और एनपीए 1.26 और 0.6% ही है जो कि बहुत ही मैनेजेबल लेवल है। नेम्स जो कि बैंकों के वैल्यूएशन के लिए एक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है वो भी 10.27 का है, जो कि इस बार थोड़ा दबाव में आया था, लेकिन बावजूद उसके 10.27 इज अ वेरी वेरी गुड नंबर आई वुड से। रिटर्न रेशियो में भी अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन एसेट 4.5% का है। इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे ये लगता है कि ये बैंक बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और सबसे बड़ी बात चूंकि इनकी 71% जो डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल और सेबी अर्बन में है तो वहां डिफॉल्ट की उम्मीद कम है, और 5 times प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू में है। वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा महंगा जरूर है, बट परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म का होल्डिंग है। तो एनपीए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो इसके लिए कंटेन है, और संभावनाएं कि आगे बहुत बढ़ जाए ये भी कम है। इसके साथ अविनाश आपकी तरफ से भी, आपको भी क्या फाइनेंशियल स्पेस से कुछ पसंद है? नहीं बिल्कुल मुग्धा, इनफैक्ट हम भी समझते हैं कि फाइनेंशियल स्पेस में IDFC एक काफ़ी अच्छा शेयर है जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आगे अनलॉक करने की क्षमता रखता है। इनफैक्ट IDFC ने एक जिस प्रकार से IDFC बैंक का जो विलय कैपिटल फर्स्ट के साथ किया है, इसका फ़ायदा ज़रूर IDFC को मिलेगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी IDFC है IDFC बैंक के लिए, और हमारा अंदाज़ा है कि आने वाले एक साल 2-3 में ये जो मर्जर पूरी होगा इसका फ़ायदा ज़रूर IDFC को मिलेगा। बट उसके बावजूद जो कोर बिजनेस है बेसिकली टर्म लेंडिंग का और ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड का, यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज दिख रही है। इनफैक्ट आफ्टर HDFC AMC के लिस्टिंग के बाद वैल्यूएशंस AMCs के काफ़ी बड़े हैं। हमको लग रहा है कि ये दोनों ही बिजनेसेस अभी ऑन द ब्लॉक है, ऐसा लग रहा है कि शायद नेक्स्ट 6-12 मंथ्स में यहाँ पे सेल आउट होने की बहुत अच्छे चांसेस है, और अंदाजा है इन दोनों ही बिजनेसेस के वैल्यूएशन करीबन 3,000-4,000 crore की। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, करीबन 75 रुपए का टारगेट है, और मुझे लग रहा है काफी लो प्राइस बैठे और नेगेटिव्स पूरी तरह से फैक्टर्ड इन है। ओके, यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न आपको अगले कुछ समय में मिल सकते हैं, 75 तक का टारगेट देख रहे हैं अविनाश, लगता है यहाँ पर अच्छे वैल्यूएशंस हैं और कंपनी भी यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन संदीप आपकी आखिरी पिक कौन सी है? जैसे आज का शो दो थीम को एक तरीके से कैटर कर रहा है, गोल्ड मूवी और इंडिपेंडेंस डे। और गोल्ड मूवी भी देखिए, 1948 में जो गोल्ड लाना चाहती थी इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद, तो वैसा ही एक थीम मैंने चुना है। जैसे दोनों दिग्गजों ने फाइनेंस रिलेटेड जो पिक्स दी है, तो मैंने एक फिनटेक रिलेटेड पिक दी है। ऐसी एक IT कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को कैटर करती है वो है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर। ये स्टॉक मैंने पहले भी दिया हुआ है, 200 रुपए के लेवल्स के आसपास दिया हुआ है, और ये जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था दिसंबर 2016 में मैंने ये दिया था स्टॉक नवंबर के बाद, और तब से मल्टीबैगर रिटर्न्स तो दिया ही है, 610 तक का हाइज बनाने के बाद वापस से नीचे आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, और इन लेवल्स पे स्टॉक को लेते हैं, 15-16 के पी मल्टीपल पे है। और ये कंपनी की खास बात है कि जो मैंने कहा था सेफ एंड डिफेंसिव स्टॉक होना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि करेंसी डिवैल्यू हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक
50 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है कंपनी, 150 कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को ये कैटर करती है। और खास बात ये कि पिछले 10 बार से ये विनर है, एक फिनवन बोल के इनका सॉफ्टवेयर है जो कि बेस्ट सेलिंग, वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग लैंडिंग सॉल्यूशन के हिसाब से एक 10 बार का अवार्ड ये जीता हुआ, तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस आता है। डिविडेंड यील्ड 2.21, इन सब को देखते हुए लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। 490-500 का टारगेट आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए दिखा देगा। राइट, इसी के साथ अविनाश, संदीप और राजेश जी आप सबसे ही आप लेके इजाजत। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपको एक बार वापस से बता देती हूँ कौन कौन से शेयर आज निकल कर आए हैं। तो अविनाश को पसंद है M&M, रेडिको खेतान और IDFC। वहीं संदीप पसंद कर रहे हैं बजाज कॉप, न्यूक्लियस कॉप और साथ ही FDC को। राजेश को पसंद है ITC, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बंधन बैंक। लेकिन इसी के साथ हम लेंगे आप सबसे इजाजत। स्वतंत्रता दिवस की आपको वापस से शुभ शुभकामनाएं, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारी तरफ से नमस्कार।